हेलो गाइस, मैं हूं नरेन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ब्रिटिश इंस्टीट्यूट करेरा पे, जहां पर हम अंग्रेज़ी सीखते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। और आपको तो पता ही है, स्पोकन इंग्लिश क्लास की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम देखने वाले हैं 7 नंबर का वीडियो, जिसके अंदर बहुत सारे सेंटेंस होंगे जो हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। तो आइए देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला सेंटेंस है, मे आई क्लीन द चेयर, क्या मैं कुर्सी साफ़ कर दूं? अगर पूछना है किसी से कुर्सी साफ़ करना हो या कुछ भी हो, तो आप कुर्सी के लिए कह सकते हैं मे आई क्लीन द चेयर, मे आई क्लीन द चेयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, टेक लंच विथ मी, टेक लंच विथ मी, मेरे साथ लंच कर लो, मेरे साथ लंच कर लो, टेक लंच विथ मी। नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल नॉट बी एबल टू कम टमोरो, आई विल नॉट बी एबल टू कम टमोरो, मैं कल नहीं आ पाऊँगा। अगर कहना है तो हम कैसे बोलेंगे, आई विल नॉट बी एबल टू कम टमोरो। नेक्स्ट सेंटेंस, एडजस्ट द टेबल, एडजस्ट द टेबल, टेबल को ठीक करो। टेबल मान लीजिए तिरछी है या किसी और तरीके अस्त व्यस्त है, तो हम बोल सकते हैं एडजस्ट द टेबल, एडजस्ट द टेबल। कीप ऑफ योर हैंड, अपने हाथों को दूर रखिए। अगर हमको कहना है तो हम बोलेंगे कीप ऑफ योर हैंड, कीप ऑफ योर हैंड। नेक्स्ट सेंटेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। जब कोई ज़्यादा फिजूल की बात करता है तो हम बोलते हैं बकवास मत करो, तो इंग्लिश में कहा जाएगा डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस। ही डज नॉट गेट द हेयर कट, वह बाल नहीं कटवाता है। आमतौर पर घर में बड़ों की शिकायत होती है अपने बच्चों से कि बाल नहीं कटवाते हैं, तो हम बोलते हैं कि वह बाल नहीं कटवाता है, तो इंग्लिश में कहा जाएगा ही डज नॉट गेट द हेयर कट, ही डज नॉट गेट द हेयर कट। यहाँ पर गेट का इस्तेमाल हुआ है, ये एक पॉजिटिव वर्ब है और सेंटेंस थोड़ा सा नॉर्मल से अलग होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर कोई नाम बिगाड़ रहा है, कहते वो मेरा नाम बिगाड़ रहा है, तो हम कह सकते हैं ही इज़ स्पॉइलिंग माई नेम, ही इज़ स्पॉइलिंग माई नेम। और इसको हम कह सकते हैं ही इज़ मिसनेमिंग मी, ऐसा भी कह सकते हैं, बट दिस इज़ लुकिंग अप्रोप्रिएट, ही इज़ स्पॉइलिंग माई नेम। लेट्स टेक पेस्ट्री, चलो पेस्ट्री खाएं, चलो पेस्ट्री खाएं। अगर कहना है तो लेट्स टेक पेस्ट्री, पेस्ट्री के अलावा कुछ भी, जब कुछ भी खाने की बात आए और जब कहा जाए चलो, तो वहाँ पर हम लेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि लेट अस का एब्रिविएशन है, यानी कि लेट अस का शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट, एवरीवन हैज़ फिनिश्ड, सभी ने ख़त्म कर लिया है। जैसे मान लीजिए कोई कंपटीशन चल रहा है और सभी का हो चुका है, या ड्राइंग कंपटीशन है, सभी ने ख़त्म कर लिया है, तो हम कह सकते हैं एवरीवन हैज़ फिनिश्ड। या मान लीजिए कोई खाना चल रहा है, सभी लोग खाना खा रहे हैं, और एक व्यक्ति दूसरे से कहता है अरे भाई जल्दी उठो, सभी ने ख़त्म कर लिया है, तो वो बोलेगा एवरीवन हैज़ फिनिश्ड। आप सभी लोग मेरे साथ इन सेंटेंसेस को रिपीट करते चलिए, बोलते चलिए, ताकि बोलते बोलते आपको भी बोलना आएगा। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, निश्चित अच्छा लग रहा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू आर लुकिंग लिटिल वीकर, तुम थोड़े कमज़ोर दिख रहे हो। अगर कहना है तो बोलेंगे यू आर लुकिंग लिटिल वीकर, लिटिल वीकर। जैसे मान लीजिए किसी की राइटिंग अच्छी नहीं है, लिखाई अच्छी नहीं है, तो बोलते तुम्हारी लेख ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इंग्लिश में क्या होगा, योर राइटिंग इज़ नॉट सो गुड, योर राइटिंग इज़ नॉट सो गुड। इसी तरीके से बोलेंगे, और अच्छे से कोशिश करिए बोलने की, योर राइटिंग इज़ नॉट सो गुड, तुम्हारी लेख ज़्यादा अच्छी नहीं है। इन विच स्कूल डू यू स्टडी, जैसे बच्चे से पूछ लिया जाता है तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, तो इंग्लिश में क्वेश्चन बनेगा इन विच स्कूल डू यू स्टडी, इन विच स्कूल डू यू स्टडी। अगला सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप कहते हैं कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो, है ना, तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, डू यू वॉन्ट टू हैव फ्रेंडशिप विथ मी, डू यू वॉन्ट टू हैव फ्रेंडशिप विथ मी। इसको बहुत ही अच्छे अंदाज में कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, सेंटेंस ही कुछ ऐसा है, और अच्छी इंग्लिश में बोला जाए तो निश्चित है कि दोस्ती पक्की है। तो कैसे बोलेंगे, डू यू वॉन्ट टू हैव फ्रेंडशिप विथ मी। नेक्स्ट सेंटेंस, मौसम बदलता है, अच्छा मौसम होता है तो बोलते हैं हम लोग आज क्या सुहाना मौसम है, आज
क्या सुहाना मौसम है। इंग्लिश में कहा जाएगा व्हाट अ लवली वेदर टुडे, व्हाट अ लवली वेदर टुडे। जो क्या शब्द इसमें आया है ये प्रश्न के लिए नहीं है, ये एक्सक्लेमेशन है। जब अचानक ही आपके अंदर मन में अचानक ही अच्छा बुरा आश्चर्य जब भी ऐसे भाव उठते हैं तो वहाँ पर एक्सक्लेमेशन होता है, इसलिए इस सेंटेंस की लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया है। कैसा सेंटेंस है, व्हाट अ लवली वेदर टुडे। नेक्स्ट, गर्मी का मौसम, कल बहुत गर्मी थी, कल बहुत गर्मी थी, अगर ऐसा बताना है इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे, इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे। डोंट लिक माई माइंड, मेरा दिमाग मत चाटो। कुछ लोग होते हैं दिमाग चाटते हैं, मतलब फालतू की बकवास करते हैं, दिमाग खाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं और बोर करते हैं, तो ऐसे लोगों से कह सकते हैं हम डोंट लिक माई माइंड, डोंट लिक माई माइंड। पुट द क्लोथ टू ड्राई, कपड़े सूखने डाल दो। घर में अधिकतर क्या, मम्मी ने कपड़े धो दिए, बच्चों से बोलते हैं जाओ भाई कपड़े सूखने डाल दो, छत पर डाल दो, पट्टी पर डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो वो कह सकती है पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई, पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई। नेक्स्ट, पील ऑफ द पोटैटोज, आलू छील दो। पील ऑफ द पोटैटोज, पील मतलब छिक्कल, छिक्कलों को उतार दो, पील ऑफ कर दो, पील ऑफ द पोटैटोज कैसे बोलेंगे, पील ऑफ द पोटैटोज। और अगर संतरा छीलने की बात आए तो बोलेंगे पील ऑफ द ऑरेंज, पील ऑफ द ऑरेंज। मेक द बेड, बिस्तर लगा दो, बिस्तर लगा दो, मेक द बेड। ढक्कन हटाओ, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ पर ढक्कन रखा हुआ है, बर्तन रखा हुआ है, या हमने किसी चीज़ को ढक के रख दिया है, तो कहा जाए अगर ढक्कन हटाओ, तो ढक्कन को लिड कहा जाता है, तो बोलेंगे ओपन द लिड, ओपन द लिड। टर्न ऑन द टैप, या कहें टर्न द टैप ऑन, टैप का मतलब होता है नल, ऑन का मतलब चालू कर देना, टर्न का मतलब घुमा देना, तो घुमा फिरा के सेंटेंस बनेगा नल चालू कर दो, नल चालू करो, तो सेंटेंस बनेगा टर्न ऑन द टैप, टर्न ऑन द टैप। और दूसरा सेंटेंस क्या बन सकता है, टर्न द टैप ऑन, टर्न द टैप ऑन। और बंद करना है तो ऑन की जगह ऑफ कर दिया, टर्न ऑफ द टैप, टर्न ऑफ द टैप, या कह सकते हैं टर्न द टैप ऑफ, टर्न द टैप ऑफ। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, डेफिनेटली यू आर लविंग इट। चलिए अगला सेंटेंस है, स्प्रेड द शीट ऑन द बेड, स्प्रेड द शीट ऑन द बेड, बिस्तर पर चादर बिछा दो। शीट मतलब यहाँ पर चादर, स्प्रेड का मतलब बिछाना, स्प्रेड द शीट ऑन द बेड। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं स्प्रेड द बेड शीट, स्प्रेड द बेड शीट। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, दीवार पर मत झुको। कई बार होता है ना, हम खड़े हैं, पैर थक गए हैं, तो हम दीवार से टिक जाते हैं, दीवार पर झुक जाते हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। अगेंस्ट का टी साइलेंट हो जाएगा बोलते समय, तो हम बोलेंगे डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। मेरे कंधे से अपना सिर मत टिकाओ, मतलब कभी कभी हम बगल वाले के कंधे पर सिर टिका लेते हैं। सपोज करो हम लोग बैठे हैं या सोते समय, या मतलब बैठे हैं, नींद आ गई है, सिर अपन ने बगल वाले के कंधे पर रख दिया, तो हम ये सेंटेंस बोल सकते हैं डोंट लीन योर हैड ऑन माई शोल्डर, डोंट लीन योर हैड ऑन माई शोल्डर। मेरे कंधे से अपना सिर मत टिकाओ, डोंट लीन योर हैड ऑन माई शोल्डर। यूज़ योर ब्रेन, अपना दिमाग लगाओ, कोई प्रॉब्लम है आप खुद सोचिए, तो कह सकते हैं यूज़ योर ब्रेन। स्पीक सॉफ्टली, आराम से बोलो, स्पीक सॉफ्टली। कभी कभी ना कोई हार्श तरीके से बोलता है, तेज बुरी तरीके से, तो हम बोल सकते हैं स्पीक सॉफ्टली, स्पीक सॉफ्टली। और धीमे बोलो, बहुत ज़्यादा तेज मत बोलो, तो बोल सकते हैं स्पीक स्लोली। जैसे कोई लोग बहुत जल्दी बोलते हैं, बहुत जल्दी बहुत फास्ट बोलते हैं, तो उनके लिए है ये स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली। चलिए हमारा ये स्लाइड पूरा हो गया, ये वीडियो पूरा हो गया, थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को एंड तक बड़े पेशेंस के साथ देखा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ आपको और किस टॉपिक पर वीडियो की ज़रूरत है मुझे बताइए, मैं आपके लिए वीडियो बना के
व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर जरूर डालूँगा। तो चलिए मिलते हैं, हम लोग नए वीडियो में मिलते हैं और बहुत अच्छे सेंटेंस के साथ मैं आपके लिए नया वीडियो बनाता हूँ। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।